हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा।
पहला नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 1 से 7 तक। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के साथ वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु से दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें भी बनाऊंगा और तुम्हारा नाम निर्माण हो जाएगा। तुम पायलों में पुनर् बनकर गाने बजाने वालों के साथ नचोगी। तुम फिर समरिया की पहाड़ियों पर डकबाजियां लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उसके पर खाते हैं। वह दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए अनंत के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। या प्रभु की वाणी है। नंबर 199 प्रभु तू मेरी आशा है, तू ही मेरा भरोसा प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहने लगी,
हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अभूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उससे विदा कर दीजिए क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को धन्यवाद किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले ही खाते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। या प्रभु का सुसमाचार है। आज के सुसमाचार हमार लेकिन विश्वास के बारे बताएगा। और आज के सुसमाचार में हमने देखी ला यीशु ख्रीस्ट सफा सफा कहेगा, मैं इसराइल के भेजा भेड़ीमान लगिन बोलल जा। और शायद वो कनानी स्त्री के धक्का लगवा, मगर वो हताश और निराश नहीं होना। सुसमाचार लेखा यह बताए खोजे कि दृढ़ विश्वास के पार्थिक लगिन यीशु ख्रीस्ट उके और गहराई तौर से उके जाने के लगिन, यीशु ख्रीस्ट जो ईश्वर के बेटा है उकार उपरे विश्वास करे के लगिन उके मौका देवे ना। और से लगिन कनानी स्त्री के विश्वास के खातिर आखिर में यीशु ख्रीस्ट उकार अन्याय विनय के सुनेना। हमरे मान बहुत जगह में सुनीला यीशु ख्रीस्ट कहेगा कि मोए हैं ईश्वर के बेटा निको। लेकिन आज के लिए सुसमाचार में यीशु ख्रीस्ट वो इतना माने नेगेटिव कहा कि नकारात्मक जवाब दे देना कहानी स्त्री के कि माने खाना के कुकुर मान के देवल जाए। यानी वो कहना कि इतना बेइज्जत कर के शब्द के यीशु ख्रीस्ट बताएना और फिर भी कनानी स्त्री वो कहना कि हाँ प्रभु, लेकिन खाना के जो जूठा गिरेला उसे भी तो कुकुर के चैट के खाएगा। मतलब यीशु ख्रीस्ट के बचाव के वो सुना पाछे भी हताश और निराश नहीं होना और अपन विश्वास के प्रकार करेना। कारण कि यीशु ख्रीस्ट के जो चमत्कार उके शायद कनानी स्त्री सुन रहे हैं, जेब रहे हैं और देख रहे हैं और परख रहे हैं। और उसे लगिन वो धीरज सा धीरज के साथ में वो अपन विश्वास के यीशु पर प्रकार करेना। और अंतिम में यीशु ख्रीस्ट कहेना हे नारी, तोर विश्वास मजबूत होय के कारण तोर विनती के सुनल दे और वो चमत्कार करेना। भाई हमरे मन विनती करेगा कि हमार विश्वास के बढ़ावा लगिन देखा नाम रे खाली कोरोना वायरस के चपेट में पूरा दुनिया हिल जाए, उस समय में भी हमरे मन हाथुरा में आई और हमरे मन के विश्वास के प्रकट करे लगी। हमरे मन के व्यक्तिगत तौर से एक मौका भेजा कि हमरे ईश्वर पर विश्वास के लिए विनती मजबूत हुआ और हमरे मन अपन जीवन के ईश्वर के चढ़ाव। और से लगिन आज के सुसमाचार पर हमरे मन मन चिंता करते हुए हमरे अपन दृढ़ विश्वास के यीशु ख्रीस्ट पर प्रकट करे लगिन
निंदित करब जेकर से कि हमार जीवन में भी हमरे मन चमत्कार देखे पर चलु हमरे मन यह वचन पर विश्वास करते प्रभु से विनती करब कि हमार विश्वास के प्रभु बढ़ावें और हमरे मन वह विश्वास के कारण हमरे मन एक चुनी हुई प्रजा लेके ईश्वर के सामने अपने के उपस्थिति में करे पड़ा गाना संख्या 315 गाना हमारा ले प्रभु जी गाना हमारा Thank you.
भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे गुना धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम साथी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है नवे नवन उत्थान कर जो तुम्हारे और पोतों की पापों की क्षमा के लिए बनाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे परम पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह का स्मरण कर रहे हैं, जिनको तूने धोखोकर क्रूस मरण के द्वारा पुनर्जन्म की महिमा तक पहुंचाया और अपने दहने बैठाया, दीवान किया रोटी और आशीर्वाद का प्याला चढ़ाते हुए हम अपने प्रभु यीशु के पूर्ण तेरी प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की चढ़ाई पर दया दृष्टि कर हम पास्कर के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं, यह वरदे की तेरे प्रेमी आत्मा के समाज से इस पवन शरीर तथा के सहभागी होकर हम आप और अनंत सत्ता यीशु के अंग बन जाएं। तो आपने सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप नगर या धाम के प्रदेश हमारे राउरकेला की स्थानीय कलीसिया का नामकरण कर धर्म गुरुओं और विश्वासियों के बीच एकता की भावना को सुदृढ़ कर, जिसके सब फलस्वरूप संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माता किशोर और अल्फोंस और धर्माताओं के साथ तेरे विश्वासी जन फूट और कला से विखंडित संसार में एकता और शांति का प्रतीक बने। हम अपने उन मेहमानों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके आज के विषय में जितने भी विश्वासी मेहमानों की आत्मा के शांति की व्यवस्था रखी गई है, उनको हम आपके पास लाते हुए इन्होंने जो संत की शांति में सोए हुए हैं सभी में विश्वासियों की सुधीरे एकता विश्वास के वर्ण जानता है, पुनरुत्थान की पूर्णता तक उन्हें पहुंचा दे और अपने आनंद से उन्हें भर दे। जब हमारी इस लोक की जीवन यात्रा समाप्त होगी तो अपने स्वर्ग धाम में हमारा स्वागत कर, जहाँ हम तेरे साथ निवास कर सकें, वहाँ इस माता धनिया कुमारी मरियम उसका सुपुत्र संत योसेफ प्रेरितगण शहीदों तथा सभी संतों के साथ हम तेरे नाम की महिमा करें और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरी प्रशंसा करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत का महिमा शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान
वचन करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाला, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मन में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मन में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मन में जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेहमान जो संसार के पाप खा लेते हैं। हम सब कोई दुनिया है जो प्रभु के इस कली भोज में बुलाए गए हैं। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक ग्रंथोसार प्रणाम। यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, या मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग ना होने दे। आमीन। प्रभु यीशु का हलाय रे मोहिने को जीवन के रोगी, मोहिने को जीवन के रोगी। प्रभु यीशु का हलाय रे मोहिने को जीवन के रोगी, मोहिने को जीवन के जी, मैं तो तुम्हारे जीवन के रोगी।
रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए आत्मी मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सिद्ध करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सेवा में जीवन बिताइए।